हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिली ब्लॉग। फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से। मैं तो अच्छी नहीं हूँ। क्या हुआ, मैं मायके गई थी। मायके से आने के बाद ही सुबह आज क्या हो गया ना, एक दिन तो गया, दूसरे दिन क्या हुआ, तो मुझे बुखार हो गया। सुबह उठते ही मुझे एकदम वीक फील हो रहा था, क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है। मेरा मतलब फेस ही मेरा चेंज होता है। मैं मेरा कुछ भी तबीयत खराब हो जाता है ना, एकदम से मेरा फेस चेंज हो जाता है। तो भतीजी बोल रही है, क्या हुआ आपके फेस को ऐसे वीक लग रहा है, वीक जैसा लग रही हो, तबीयत खराब है क्या? हाँ, मुझे कुछ काम करने को नहीं मन कर रहा है, मुझे खाली मुझे सो जाने को मन कर रहा है और कुछ नहीं। तो और कपड़े को भी मैं वॉशिंग मशीन में डाल दी थी, बहुत सारे कपड़े था डाल दी थी, तो उसको भी धुलना था। तो बेटी ने आज हेल्प कर दी, मुझे बहुत हेल्प करी मुझे आज, और सब कपड़े को धो दी। और मैं क्या करी ना, कपड़े को वो भी सुखा दी, मैं भी सुखाई। सच में बहुत हेल्प कर दी। बच्ची बच्चियाँ माँ बाप के तो कुछ होता तो वो भी घबरा जाते हैं ना। तो आज से कपड़े धोई और लगभग किचन का भी आधा काम, मतलब सारे काम कर लिया। और कपड़े तो सुखा लिया, आधा कपड़ा था मैं सुखा ली। उसके बाद मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, तो थोड़ा रेस्ट कर ली। और नहाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर से थोड़ा रेस्ट करी। उसके बाद मैं रोटी, आज नाश्ते में कुछ नहीं खाई, रोटी और चाय पी ली। और उसके बाद शॉप चली गई। शॉप में भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे फील हो रहा था अभी सो जाऊंगी। लेकिन थोड़ी देर में बैठी और बैठ के मेडिसिन भी ले ली। नाश्ता करने के बाद मेडिसिन ले लिया। और उसके बाद किचन में जो चावल वगैरह वो सब हो रहा था ना, चावल को मैं बैठा दी थी। और बेटी ने दाल चढ़ा दी थी, दाल और आलू चढ़ा दी थी जो आलू भरता के लिए। आज वो ही बनाई। मैं चावल को देख ली थी और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, देख लीजिए। बेटी साग को उसको काटना भी नहीं आता, तो वो चॉपर से ही क्रॉस कर रही थी। उसके बाद जो कपड़ा, मैं शॉप चली गई थी ना, शॉप से आने के बाद कपड़ा को मैं क्या करी ना, उठा के ले जा रही थी। बहुत धूप हो रहा है ना, और धूप की वजह से और भी वीक फील हो रहा है। अभी अभी शॉप से मैं आई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूं मैं, पता नहीं क्यों तबीयत खराब ज़्यादा ही हो गया। वो सीजन चेंज की वजह से ऐसा हो रहा है लगता है। काम कर रही थी, दाल को मैं नहीं, बेटी छोंक लगा रही थी और आलू भरता बना रही थी। और मैं साग भी बना ली है, देखिए।
और ये शाम को मुझे मतलब कमेंट आया था, रिक्वेस्टेड वीडियो था आया था, आप फैन क्लीनिंग करके दिखाओ। तो फैन भी अभी तो गर्मी हो रहा है, कितना आपको पता है। और सब रूम में तो हम फैन को नहीं चला रहे हैं, जिस रूम में हम रहते हैं उस रूम में फैन को चलाते हैं। तो ये फैन भी थोड़ा था धूल, ज़्यादा नहीं, और भी फैन भी है, लेकिन अभी गर्मी लग रहा है। तो एक फैन को मैं क्लीनिंग कर रही थी, मतलब ऐसे सूखे कपड़े पे धोई साफ करी, उसके बाद गीली कपड़े में पोछ लिया और काम भी कर लिया। और देखिए, आप एंजॉय कीजिए वीडियो को। कैसे साफ हो गया फैन, पूरा क्लीन हो गया। और उसके बाद जो फैन जब मैं साफ कर रही हूँ, तो टीवी वगैरह भी साफ करूँगी। टीवी को साफ कर रही थी और टीवी को भी साफ कर दिया ऐसे उस कपड़े में। के बाद जो कपड़े वगैरह था उसको मैं फोल्ड करके रख दी, और रात को मैं शॉप से आने के बाद ही चेंज करके कपड़े पहले फोल्ड करी थी, और उसके बाद कपड़े को चेंज करके कर रही हूँ। और देखिए, रात को भाजी आज सब बेटी बनाई उसको और सब करी है, और रोटी भी बना रही थी, तो फुल्का रोटी वो भी बनाती है, तो मैं दिखा रही थी, मैं भी हेल्प कर रही थी। चलिए, आज का ब्लॉग बस उतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे साथ देते रहिएगा।